बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी खान साहब से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब और मेरी मुलाकात हुई, हमारी कोर्ट हेयरिंग के बाद मुलाकात हुई है, जो कोर्ट प्रोसीडिंग का हवाला है और केसेस के हवाले से अभी ब्रीफिंग सलमान सफदर साहब देंगे। जो खान साहब के साथ मीटिंग हुई उसमें खान साहब ने सबसे पहले तो अपनी कौम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि कौम वाकई जो है ना जमहूरियत के साथ खड़ी हुई और नज़रिए के साथ खड़ी हुई, और जिस तरह से खान साहब ने गुलामी ना मंजूर का नारा दिया था वो नारा अमली तौर पर उसे अमली जामा इस कौम ने पहनाया। जिस तरह से औरतें निकली, बुज़ुर्ग हमारे निकले और शहरी तमाम शहरी निकले वोट, और जिस तरह से जिस अंदाज में वोट कास्ट किया गया पीटीआई की फेवर में वो अनप्रेसिडेंटेड था। ये 1970 वाले इलेक्शन की भी उसको क्रॉस कर गया है, और इस पर उन्होंने बार बार रिपीटेडली मुबारकबाद कौम को पेश की। और जिस तरह का मैंडेट पीटीआई को दिया गया है, इंशाल्लाह ताला पीटीआई मरकज में, केपीके में और पंजाब में गवर्नमेंट बनाएगी। और खान साहब ने और बहुत उसमें ड्यूटीज़ भी असाइन की है कुछ लोगों को, वो ड्यूटीज़ जो केपीके पंजाब के हवाले से हैं वो डायरेक्टली उनको बताई जाएंगी, इसलिए अभी मैं उनके नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा। दूसरी जो बड़ी बात खान साहब ने की आज की, उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े प्राइम इदारे से अपील की कि खुदारा अब जो कुछ पहले हो गया हो गया। ये देखें, कौम ने मैंडेट एक दिया है, वो मैंडेट रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो हर तरह से रिस्पेक्ट होना चाहिए। कौम के मैंडेट के साथ जो 9 फरवरी के बाद हो रहा है वो नहीं होना चाहिए किसी तरह से भी, क्योंकि ये कौम को फर्दर एलिनेट कर देगा, कौम में इदारे और कौम के दरमियान दूरियाँ पैदा करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जिन हलकों में रातों रात 9 मई से रिजल्ट बदले गए हैं और बदले जा रहे हैं, खान साहब की उन हलकों की आवाम से और कैंडिडेट से पुरजोर अपील है कि कल दोपहर को वो निकलें और भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे वो थ्रू आउट पाकिस्तान, उन हलकों में जहां जहां ये धांधली के वाकयात रूनुमा हुए हैं, और इन पे भरपूर तरह से जो है ना इसका इजहार किया जाएगा और अदालती तरह से भी फॉलो अप किया जाएगा, और ये एहतजाज बिल्कुल पुरअमन होएगा, क्योंकि खान साहब की तारीख रही है हमेशा से पुरअमन एहतजाज हम करते रहे हैं, हमने धरना दिया पुरअमन रहा और अब भी ये पुरअमन होएगा, क्योंकि देखिए जमहूरी अमल में वोट की ही रिस्पेक्ट है। अगर वोट ही चोरी हो जाए तो अवाम क्या करेंगी, अवाम के बाद वाहिद रास्ता पीसफुल प्रोटेस्ट का है और तहरीक इंसाफ वो रास्ता अडॉप्ट करेगी। साथ ही साथ खान साहब ने जिक्र किया अपने जो हमारा माशी बुरान से गुजर रहे हैं, खान साहब ने कहा कि देखें ज़मीन बोस हो चुकी है हमारी इकोनॉमी, कल स्टॉक एक्सचेंज फिर से 1200 इंडेक्स लूज किया, ये क्राइसिस हम घुटने लग चुके हैं, इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमें किसी तरह से हमारा मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता, तो इस चीज़ पर हमें बड़ा ही बखूबी गौर करना पड़ेगा, अगर हम इस तरह से चलाएँगे तो पाकिस्तान के लिए इरिपेरेबल डैमेज होने जा रहा है, तो खुदारा इस चीज़ पर तमाम लोग गौर करें, गौर व फिक्र करें और पाकिस्तान को उस तरफ ना लेके जाए। साथ ही साथ इस अमल में देखें, हमने एक शख्स को बिठाने के लिए अपने तमाम इदारों को कमजोर कर दिया है, चाहे वो नैब हो, चाहे एफआईओ, पुलिस को जिस तरह से इस्तेमाल किया अगेंस्ट देयर विल इस्तेमाल किया, पुलिस से वो काम कराए गए वो शायद जो वो नहीं करना चाहते थे, प्री पोल रिगिंग इस हद तक की गई जो पाकिस्तान की तारीख में देखने को नहीं आई, मगर वो उस तरह से इदारों को इस्तेमाल किया गया। अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ, इस कौम का हुआ है, इदारों का नुकसान हुआ है, इदारे निहायत ही कमज़ोर हो गए हैं, आज उस पोजीशन पे खड़े हैं कि उन्हें दोबारा खड़ा करने के लिए हमें इमरान खान जैसी क़यादत की ज़रूरत है। लास्टली इमरान खान साहब ने इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से बात बड़ी तफसीली की, उन्होंने कहा इसके लिए अब देखें नवाज शरीफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख लें कि 2008 में गए, 2018 में गए, 99 में गए, ये गवर्नमेंट्स को बैंकक्रप्ट करके गए, आप 16 महीने की परफॉर्मेंस देख लें आपकी जो पीडीएम की गवर्नमेंट की रही उसमें क्या इस कौम का हशर नशर हुआ है, तो खुदारा आप उस चीज़ को रिपीट ना करें। अब ये मिक्स अचार के साथ नहीं हुकूमत चल सकती, जिस गवर्नमेंट का मैंडेट है उसको रिस्पेक्ट करें। एक 50 सीटों वाला कैसे फतह का ऐलान कर सकता है कि 50 सीटें अभी आई नहीं, आप इंडिपेंडेंट की जो लेबल कर रहे हैं पीटीआई के, पीटीआई के उससे डबल उस वक्त नंबर है, मगर उसका आप मैंडेट का रिस्पेक्ट नहीं करते, आप किसी चीज़ का इंतजार नहीं करते, आपकी टिकटें दोहा की कटी हुई 65 टिकटें ऑन रिकॉर्ड है इत्तेहाद एयरलाइन की, ठीक है, तो अचानक ये क्या इतना बड़ा शिफ्ट आया, तो इन सारी चीज़ों को देखने वाला है। पीटीआई का मैंडेट हर तरह से रिस्पेक्ट करें और हमें एक बड़े क्राइसिस से बचाएं। शुक्रिया जी। आज एक सवाल बताइएगा, कल मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया और उन्होंने हुकूमत बनाने का ऐलान किया है,
उस पर कोई बात हुई खान साहब जी? वो यही उन्होंने कहा कि 50 सीटों पे कोई कैसे ऐलान कर सकता है। खान साहब ने आज डॉन अखबार बड़ा बखूबी पढ़ा हुआ था और तमाम हालात से बड़ी तरह से अवेयर थे और वो कह रहे थे मतलब ऐसी सीटें, अब वो नूर आलम की उन्होंने मिसाल दी, ठीक है ना, आप रेहाना डार का देख ले, मतलब हल्के जो जीते जिताए कन्वर्ट किए गए हैं रातों रात, वो कैसे हो सकता है? इस्लामाबाद की 3 सीटें कैसे कोई और जीत सकता है? पीटीआई की लंबी मार्जिन से 50,000 की लीड है, उन्हें आप अंडू कैसे कर सकते हैं? ये आप फर्दर क्राइसिस में इस मुल्क को डाल रहे हैं। देखें, आप इमरान खान की जात को भूल जाएँ, दूसरी चीज़ों को भूल जाएँ, ये इस मुल्क की जो है ना इशू, मुल्क की क्रेडिबिलिटी, मुल्क के इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी का। अच्छा ये बताइएगा, ये बताइएगा देश के जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आपने उमैर नियाजी साहब से सुना कि आज कानूनी टीम जो मौजूद थी अलकादिर नैब ट्रायल के अंदर, कानूनी टीम को अंदर जाने आज एक दफ़ा फिर नहीं दिया गया। उस्मान रियाज गिल साहब मौजूद हैं, जहीर अब्बास साहब कानूनी टीम का हिस्सा हैं, लीड कर रहे हैं अलकादिर के केस को, मगर नैब की टीम आज सुबह 9 बजे एंटर होती है, तफ्तीश आती है, तफ्तीशी आते हैं, प्रोसिक्यूटर्स आते हैं, सबको एंट्री मिलती है, मगर ये कैसा ओपन ट्रायल है, ये कैसी ओपन प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें इमरान खान साहब के प्रोफेशनल लॉयर्स को रिपीटेडली कोर्ट में एंट्री नहीं दी जा रही। मैं इस बात से, ये तीसरी चौथी दफ़ा हम ये आपके आगे रख रहे हैं कि जिस वक्त मुकदमे में तारीख डल गई, 15 तारीख खामोशी से हमारी गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी को पेश किए बगैर, वो भी इस मुकदमे में बराबर की सरकार के मुताबिक शरीक हैं, मुलजमा हैं, तो उनको कैसे आपने पेश नहीं किया, उनको क्यों आपने यहाँ से मीलों दूर आपने उनको रखा हुआ है और यहाँ पर अडियाला जेल में तमाम सहूलियात के होते हुए, तमाम रिक्वायरमेंट्स के होते हुए यहाँ पर बुशरा बीबी को नहीं रखा जा रहा? सो आज दोबारा नैब के जज साहब जो हैं वो नहीं आए और अमले ने आज खामोशी से 15 तारीख की डेट को डाल दिया और दोबारा केस को एडजर्न कर दिया। ये लीगल टीम उनकी खड़ी रही 3 घंटे और 3 घंटे की बदस्तूर डिलिब्रेशंस के बाद, रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद और एक फॉर्मल एप्लीकेशन के बाद कि कानूनी टीम का इमरान खान साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है, तो पता नहीं क्यों, किन वजूहात पर आज कानूनी टीम को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। मगर मुझे इमरान खान साहब से मिलके सबसे पहले तो ये खुशी हुई कि मुझे लग रहा था कि वो ताज़ा ताज़ा जिम करके और एक्सरसाइज करके और नहा के आ रहे थे, बड़े फ्रेश थे, बड़े अच्छे मूड में थे और सबसे जो इम्प्रेसिव बात थी, ही वॉज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, ही एग्जैक्टली नोज वॉट इज़ गोइंग ऑन, ही एग्जैक्टली नोज हाउ द इलेक्शंस टुक प्लेस। उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से बड़ी तफसीली हदायात उमैर नियाजी साहब को दी, जो उन्होंने आपसे शेयर की, कुछ उनके मैसेजेस थे वो दिए। क्रिमिनल केसेस के हवाले से उन्होंने, मैं आपको ये बताता चलूं कि खान साहब 16 महीने से क्रिमिनल केसेस का वन आफ्टर दी अदर, कभी लाहौर, कभी क्वेटा, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी पिंडी, कोई ऐसा मुकदमा नहीं, कोई ऐसा जुर्म नहीं जिसमें इमरान खान साहब को जिसको उन्होंने फेस ना किया हो, कोई ऐसा मुकदमा नहीं जो झूठा ना साबित हुआ हो, कोई ऐसा मुकदमा नहीं जिसमें जमानत ना कन्फर्म हुई हो। सो आज दिन तक मैं उनको इस बात की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज खान साहब को 5-6 माह हो गए हैं जेल में, उन्होंने किसी एक दिन मुझसे नहीं पूछा कि मैं अक गया हूँ या थक गया हूँ या मुझे किस दिन बाहर निकालोगे। सो हैट्स ऑफ टू हिम कि वो अपने उसी मजबूती से वो खड़े हैं, उन्होंने किसी दिन लीगल टीम को प्रेशराइज नहीं किया कि मेरे बाहर निकलने में कितने दिन हैं। अलबत्ता हम अब ये ज़रूर समझते हैं कि इन मुकदमों का एक एंड होना चाहिए, इनका एक लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए और अब दिन आ गए हैं कि इमरान खान साहब को इन तमाम मुकदमों और इनकी भंवर से बाहर निकल के वापस अपनी आवाम में उनको आना चाहिए। इलेक्शंस आपके सामने हैं, वो आपने देख लिए हैं, लीगल केसेस मेरे सामने हैं, वो सारे के सारे खोखले हैं, सारे बेबुनियाद हैं, सारे रेत का पहाड़ हैं, एक हवा के झोंके से सारे गिरने वाले केसेस हैं। वो गलत जुमला नहीं बोला कि 10 सेकंड और 14 सेकंड में क्रिमिनल केसेस खत्म होंगे, आप इन केसेस को शुरू तो करने दें। उन्होंने जाते जाते मुझे ये ज़रूर कहा कि मेरी अपील्स तोशाखाना में, साइफर में और इद्दत के केस में जल्द अज़ जल्द वो अपीलें लगाएं। अब तो आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप मेरे बिहाफ पर कह सकते हैं कि इलेक्शंस भी हो गए हैं, अब तो मेरी अपीलें लगाई जाएँ और अपीलें जो हैं वो सुनी जाएँ।
जितने भी आज दिन तक कानूनी मुकदमात इमरान खान साहब ने फेस किए हैं, मैं ये आज बात जरूर कहना चाहूँगा, तीन ऐसे मुकदमात थे जिसमें मैंने, वैसे तो हर क्रिमिनल केस में ही जो मुकदमा फेस कर रहा होता है उसको तकलीफ होती है, मगर तीन ऐसे मुकदमे मैंने देखे जिसमें उनको दिली दुख हुआ। पहला मुकदमा था जिल्ले शाह का, जिल्ले शाह का जो मर्डर हुआ और उसका जिम्मेदार इमरान खान साहब को ठहराया, मैंने उनको ज़्यादा हर्ट पाया। दूसरा क्रिमिनल केस जिस पे मैंने उनको बहुत रिएक्ट करते देखा वो करप्शन चार्जेस थे, उन्होंने कहा ये काम मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया करप्शन का, अलकादिर के हवाले से और तोशाखाना के हवाले से कि आई एम नॉट अ करप्ट पर्सन सो आई सॉ हिम रिएक्टिंग। द थर्ड केस जिस पे उनको बहुत दुख है, ना सिर्फ उनको दुख है, हम सबको ही दुख है, हमें भी दुख है कि ये इद्दत और निकाह वाला जो केस था, इसे हम कहते हैं बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट जाके ये केसेस चलाना, ये प्राइवेट मामला थे, ये डोमेस्टिक इश्यूज हैं, ये इस लेवल पे हाईलाइट नहीं होने चाहिए थे और इस लेवल की क्रॉस एग्जामिनेशन और इस लेवल का एविडेंस कोर्ट में झूठा प्रेजेंट करना, एवेंचुअली इन सारे केसेस का क्या अंजाम होना है आपको मालूम है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन। बट इद्दत का केस तीसरा केस था जिस पे खान साहब बहुत अफसरदा थे कि ये नौबत यहाँ तक आ गई है। उन्होंने एंड में ये ज़रूर कहा कि बुशरा बीबी को क्यों उधर बंद कमरे में तारीकी में उनकी खिड़कियाँ बंद करके उनको वहाँ पर टफ टाइम वहाँ पर दिया जा रहा है, वहाँ पर इर्द गिर्द कोई और ख़वातीन नहीं है, उनको अकेले वहाँ रखा जा रहा है। उनकी अपील है कि उनकी बेगम को ना उनकी उनकी ख्वाहिश है इमरान खान साहब की, ना उनकी बेगम की ख्वाहिश है, ना उनके किसी वकील ने किसी जगह उनके बिहाफ पे कोई दरख्वास्त दी। सो वो चाहते हैं कि जैसे तमाम कैदी अपनी कैद काटते हैं जब तक उनकी सजाएं मुअत्तल ना हो जाएं या जमानतें ना हो जाएं, बुशरा बीबी से भी कोई इम्तियाजी सलूक ना रखें, आप उनको भी अडयाला जेल में मुंतकिल करें और जैसे हर कैदी सजा काट रहा है, जैसे इमरान खान साहब काट रहे हैं, वो भी वापस यहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाए। सो बहुत जल्द आप देखेंगे कि अगले दो तीन दिन में इमरान खान साहब की जितनी भी अपील्स हैं वो अपने फाइनल मराहिल में हैं। फाइनल मशावरत के बाद इमरान खान साहब की जमानत की एप्लीकेशंस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगी और उनकी अपील्स भी फाइल होंगी, और जैसे ये केसेस कंक्लूड हुए हैं रात की तारीकी में बैक टू बैक तीन दिनों में, हम उम्मीद करते हैं कि जैसे तीन दिनों में सजाएं सुनाई गई हैं वैसे ही तीन दिन फिक्स हों और ये अपीलें सुनी जाएं। बता दें गया कि मसलू मसलू